लुक एट मी गोइंग डाउन। आज मैं ऐसे जाने वाला हूँ बाइक में, ठीक है? जस्ट किडिंग, मेरे बूट्स गाड़ी में रखे हुए थे, सो आई कीप अ स्पेयर स्पोर्ट्स शूज जस्ट इन केस आई टू गो वॉकिंग। बिकॉज ये बूट्स अच्छे हैं बट लॉन्ग हाइक्स और ये सब के लिए ना, एंड आई यूजली लाइक टू गो फॉर अ लॉन्ग हाइक आफ्टर वॉक। और कभी चप्पल भी चाहिए होती है, इफ यू वांट टू गो टू द लेक। सो ये पूरा प्रिपरेशन है, मेरे पास लाइफ जैकेट भी है। लाइफ जैकेट सब कुछ है भाई, डर्ज में अगर कपड़े धोने पड़े किसी के तो रास्ते में। दिनों बाद, काफ़ी दिन हो गया बाइक चलाए हुए, एक्चुअली 2-3 दिन हो गए। आज फुली, आज बहुत गर्म दिन है, द होल वीकेंड इज गोना बी एक्सट्रीमली हॉट। ओ या ये आदमी क्या कर गया, लटा दो यहाँ पे। ओ या भाई क्या फील है, स्पीड देखो, परफेक्ट वेदर है भाई, परफेक्ट वेदर, मतलब से परफेक्ट वेदर नहीं होगा। चलो किंग्स में रहते हैं, ये है अपना फेवरेट टनल। बहुत मस्त टनल है यार ये, और ये देखो क्वींस वे आ सकते हो, एंड अपन सीधे यहाँ से बहुत मस्त रोड है एक्चुअली, यहाँ बहुत टेम्पटिंग है। तो जब भी आपको बहुत टेम्पटिंग रोड है देखें ना, थोड़ा सा कंट्रोल करना, क्योंकि वहाँ कहीं पुलिस भी लगती है, क्योंकि वो लोग बड़े चालू होते हैं और वो लोग ऐसी टेम्पटिंग रोड्स पे ना चौकी बना के बैठते हैं, चौकड़ी लगा के ऐसे, जैसे एक झाड़ी दिख रही है उसके पीछे छुप जाएंगे। ये तो किसी का घर था यार, लेकिन देयर बी सम डीकॉय ऐसे ना स्पॉट्स होंगे जहाँ पे, ये देख के मुझे पूरी पहाड़ों की फील आती है ये वाला एरिया देख के, ये पूरा स्ट्रेच जो है ऐसा लगता है मैं पहाड़ों पे आ गया हूँ। टेम्परेचर देंगे अपना। हेलो मॉर्निंग, आई जस्ट नीड टू डू दिस। I'm pretty cold. अभी ब्रेकफास्ट पेल रहा है, और चलो भाई तो दैट्स इट, हम मिलते हैं काम के बाद। सो व्हाट हैपेंड टुडे वाज दे फॉरगॉट टू स्केड्यूल अ सर्वर फॉर द इवनिंग शिफ्ट, सो फकिंग हम लोग बैठे हुए, हमने कहा सर्वर कब आएगा, सर्वर कब आएगा, करा है कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। उसके बाद सर्वर आया बड़ा लेट, तो रिकॉर्ड को बुलाया। Oh fuck man, what a fucking day. I was gonna leave at 4:30, yeah. Luckily I didn't deem, और क्योंकि अगर मैं if I left, तो वो भी लाइक अबे तू इतनी जल्दी चला गया, ये वो गाली गलौज, it's too windy. एक लेंटन में निकलता हूँ मैं, because it's too windy right now.
just trying to get lit. लोग बहुत पूछते रहते हैं कि what is the best college for culinary in Canada? पहली बात तो आप best college ढूंढने क्यों रहो? तुमसे ना हो पाएगा. हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे. तुमसे ना हो पाएगा. है ना, दो तीन कॉलेजेस मैं बता दूँ, जॉर्ज ब्राउन, हम्बर और ये सब तो मेरी लाइफ में आपने बहुत बार सुना होगा. द रीज़न वाई आई टेल यू वाई दीज आर बेस्ट कॉलेजेस, बिकॉज जस्ट लाइक एनी अदर कलिनरी कॉलेज, मोस्ट कलिनरी स्कूल्स आर रन बाय टीचर्स हु आर ऑलरेडी शेफ्स, ईदर करेंटली वर्किंग एज अ शेफ और दे वर शेफ्स लाइक इन देयर रीसेंट पास्ट. ठीक है, यहाँ पे वो नहीं है इंडिया में कि एक साल एमटी करा, एक साल कुछ चुटियाप करा आपने एंड देन यू बिकम अ शेफ लाइक अ टीचर. इंडिया में क्या होता है, आधे से ज़्यादा IHM मुंबई, IHM ऐसे, इसमें इतने टीचर भरे पड़े हैं जिनका इंडस्ट्री का कोई झांटा नॉलेज नहीं है. एक भी दिन इंडस्ट्री में काम नहीं किया होगा लेकिन टीचर बन गया बिकॉज समबडी लाइक यू और समथिंग यू नो, कनेक्शन हियर एंड देयर एंड एज लॉन्ग एज यू कैन एक्सप्लेन अ लिटिल बिट ऑफ कुकिंग, क्योंकि यार देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन cooking for cooking professionally and teaching it. Thoda difference hai obviously. A teacher cannot be a great chef and a chef cannot be a great teacher sometimes, you know, it goes both ways. So the point is, everything in the industry you will learn in the kitchen, in the industry, in cooking. Like you have to, just like, you know, you have to put in 10,000 hours towards a skill to become a master of that skill. You know, so you have to put in that 10,000 hours and no college, no university, no anything can give you that other than work. There's no point in finding the best college. I would say go for any college which is a public community college and is in a good area. Toronto, main isliye recommend karta hu, Toronto, BC, Vancouver or any kind of city where you can have opportunity to study as well as, you know, pay for your college or part-time jobs apne survival ke liye. So it's better to choose Toronto or Montreal or something like that where they have a little bit of population, they have like a transit system where you can travel. Kyunki right away to koi bhi gaadi nahi le sakta, koi bhi bike nahi le sakta, ye main aapko abhi se likh ke de deta hu, unless ki aap bahut hi crorepati insaan ho ghar se. So but most of the kids come from a humble background like just like I did, and most of the kids, you know, are looking for a return on investment and they are thinking about how to pay off their fees and all that. So in order to do that, aap logo Toronto ya fir Montreal ya fir Vancouver aisi jagah kaisi badi city mein, even Ottawa is not bad. Other than that, stick to any community college jisme aapko admission mil raha hai. Keep a lot of options open, you know, if coming to Canada is just your thing, you know, you wanna come to Canada, that's your plan, that's your 5-year plan, you know, next 5 years I'll be in Canada, I'll be a PR. So in next 5 years, if you follow what I'm telling you, you will be a PR and you will get to where you wanna be. Learning wise, more or less all colleges will teach you the same shit. Everything you'll learn in the industry from actual real chefs working in the real, okay, yaar, everybody knows how to make bechamel, ye sab na, but the problem is the usage of that thing. Uska usage waise nahi hoga jaisa aapko college mein sikhaya jayega. It will be used in a different way. It will be used as a pasta sauce, pizza sauce. It could be used in 10 different ways, you know. Same with baking also. Baking is amazing, but it takes a lot of practice to master that art, and you can only learn that in the industry. Nobody can teach you, make you. And एक और क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी फकिंग, लाइक क्या लगता है आपको कि कॉलेज से निकलते आपको कोई एग्जीक्यूटिव शेफ बना देगा, क्या आपको कोई मैनेजर बना देगा? नो वे. यू हैव टू अर्न दैट टाइटल, यू नो. लुकिंग बैक एट इट नाउ, यू नो, आई थिंक अबाउट द स्मॉल थिंग्स दैट आई डिड इन ऑर्डर टू बिकम अ मैनेजर वॉज, यू नो, लाइक से वेन वी हैड टू डू एन सो इन होटल्स वेन यू वॉन्ट समथिंग लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और एनीथिंग or dry goods, you have to call the stores and say, hey, I need this, and then you fill out a form which is in indent. In India they call it indent sheet, or here pe requisition sheet bolte hain. So and then you write down, yeah, I need this oil itna, and then you can do it like twice a week depending on the property. You can do it twice a week, thrice a week, all day, 5 days, so it changes. So you learn how to manage your kitchen, you know, you learn how to. So I did that for the longest time. I was the guy in my department to order all the food from dry store, and now I'm just doing it the same thing, but I'm doing it on the bulk level. Like I'm doing it
for the whole hotel. I'm doing it for I'm doing it directly from the supplier. It's the same thing. It has just become bigger. But you know, you just get an idea ki ye oil mujhe itna din chalega. Is ye itne fryer mein itne do dabbe oil jaate hain. All these things you'll get an idea of. So you have to become a cook first. Especially in cooking, like a lot of people think kya uska salary kya hogi? Kya salary hogi? Usually you'll be able to make 14 to 18 dollars per hour in a restaurant setup, and in a hotel setup you'll be able to make 18 to 23 dollars an hour, which is unlikely for a lot of people because skill wise red seal nahi hoti, bahut log kuch hote nahi hai. So if you're lucky in your co-op, make sure in your co-op you impress the hell out of your chefs, co-workers, kisi se bhi connection na lo, jo just be very smart and look around ki kaun kisse connected hai, kaun kahan pe kya, because at the end of the day people will only hire you if they like you. Na beautiful hai Royal York, kitna pyara hai ye Royal York, pyara pyara. Last vlog abhi Shreya started to vlog and thoda yaar help bhi aati meri bhi, mujhe bhi, main bahut busy rehta hu apne working days mein. Aur best part hai ki जब वो काम कर रही होती है मेरी छुट्टी होती है, मैं काम कर रहा हूँ उसकी छुट्टी होती है, हाँ तो हम दोनों स्विच कर सकते हैं ब्लॉगिंग. एक दिन वो कर रही है, एक दिन मैं कर रहा हूँ. तो आई होप यू गाइस एंजॉयिंग इट. यही है सीन, यही है रायता, यही सब कुछ है भाइयों, यही है भट्ट की चुटकानी, अपना पहाड़ी पहाड़ी सब्जी, यही है भाई. Subscribe, motherfucker.